Hi friends, I'm Dharmender and welcome to my YouTube channel Double Fitness. So this video is related to my last video and this video हम देखे थे कि day one में कौन सा workout practice करेंगे और आज देखेंगे कि day two में कौन सा workout करेंगे और एक बात and उसी के साथ देखेंगे कि टेक्निक जो पुशअप्स का कैसे आप करके और जल्दी ही पुशअप कर पाओगे चाहे आप मैन हो चाहे वोमेन, क्योंकि पुशअप्स हमेशा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है हर किसी के लिए, प्रॉपर टेक्निक हमको पता नहीं होता है, तो आज देखेंगे उस टेक्निक को भी। एंड आई होप कि आप डे वन का प्रैक्टिस किए होंगे वर्कआउट, तो डे टू को भी उसमें ऐड करेंगे और जो रिजल्ट पाना चाहते हो, चाहे आप वेट लॉस या वेट गेन, आपका रिजल्ट धीरे धीरे आप अचीव कर पाओगे। सिंपल में शुरू करेंगे और धीरे धीरे डिफिकल्ट को जाएंगे और अच्छे न्यूट्रेंट और अच्छे वर्कआउट के साथ आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड चाहे आप थिन हो चाहे आप वेट बहुत ज़्यादा हो, और वर्कआउट हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर किसी को फिट रहना है, स्ट्रांग रहना है, हेल्दी रहना है और डिजीज फ्री रहना है, तो वर्कआउट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज का वर्कआउट शुरू करते हैं वार्म अप के साथ, और इस वर्कआउट को आप मेरे साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। सो आप कर लेते हैं जल्दी ही एक दो वार्म अप, देन शुरू करते हैं वर्कआउट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी वार्म अप खत्म हो गया, पहला वर्कआउट के लिए रेस्ट लेना कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी डायरेक्ट शुरू करते हैं वर्कआउट स्प्लिट जैक फॉर 40 सेकेंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अभी पहला वर्कआउट खत्म हो गया 40 सेकेंड का, एंड देन इफ़ यू वांट टू टेक रेस्ट देन यू कैन टेक रेस्ट बिटवीन 15 to 20 सेकेंड इन बिटवीन एंड देन मूव टू द सेकेंड वन। तो अब करेंगे वन लेग फॉरवर्ड जंप। तो पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक स्टेप आगे जाएंगे और इसे जंप करेंगे, फिर पीछे आएंगे और एक स्टेप फॉरवर्ड एंड जंप। सो इट विल कंटिन्यू फॉर 40 सेकेंड। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर 40 सेकेंड। तो अब दूसरा वर्कआउट भी खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। अगर आप पानी पीना चाहते हो तो पानी भी थोड़ा पी सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं तीसरा वर्कआउट, जैसे स्टैंडिंग साइड लेग रेस साइड 20 सेकेंड। तो 40 सेकेंड तक इस वर्कआउट को कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो फीट को नीचे टॉस कर सकते हो, नहीं तो जेंटली कीप योर फीट अवे फ्रॉम द ग्राउंड।
तो अब देखते हैं जो पुशअप्स का टेक्निक पहले बताया था, हाथ को रखेंगे शोल्डर जितना वाइड है उससे थोड़ा सा बाहर और लेग्स को स्ट्रेट और कीप योर कोर टाइट, लेग स्ट्रेट एंड लुक डाउन और एल्बो को धीरे से बेंड करेंगे और बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेंगे और ऊपर उठेंगे। जब नीचे जाएंगे तो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, कोर को टाइट रखेंगे तो जल्दी आसान होगा और इसको रोज प्रैक्टिस करेंगे धीरे 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 धीरे। एक दो महीने के अंदर आप पूरा पुशअप्स कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो, अगर इसको प्रैक्टिस करें देन वी कैन डू इट इजीली। सो आज के लिए वर्कआउट ख़त्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सही तरीके से परफॉर्म कर पाए होंगे। तो इस वर्कआउट को हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे बढ़ेंगे और डे थ्री में क्या करेंगे और क्या क्या फूड को ऐड करेंगे डाइट में, हर रोज़ जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या चेंजेस लाना है और क्या क्या ऐड करना है, उस सबको डीपली डिस्कस करेंगे और फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और डिजीज फ्री रहेंगे। सो कीप वॉचिंग माई चैनल डेविड फिटनेस एंड और कोई भी एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो टिल देन टेक केयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।